वेलकम टू माई चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइज। सो यस्टरडे मैंने आप सबको बहुत ज़्यादा मिस किया, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था जिसकी वजह से मैं चाह के भी वीडियो नहीं ला पाई आप सबके लिए, और थोड़ा सा यू नो तबीयत भी ठीक नहीं था जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाई। बट रेगुलर वीडियोज़ आएंगे गाइज, चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। रेगुलर ही डेली बेसिस पर आपको रीडिंग्स प्रेडिक्शंस मिलेंगी। ओके, सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आपके दिल और दिमाग में जो पर्सन है उनके करंट फीलिंग्स क्या चल रही है। ओके, बहुत सारे लोग कहते हैं कि करंट फीलिंग्स पे आप रीडिंग्स बनाते हो, कोई और टॉपिक्स पे नहीं बनाते हो। तो आई डोंट नो, मैं और भी तरह तरह के टॉपिक्स पे रीडिंग्स बनाती हूँ, प्रेडिक्शंस करती हूँ, बट मे बी तब आप लोग वो सब देखते नहीं हो। ओके, और मतलब आधे लोग बोलते हैं कि आप सिर्फ करंट फीलिंग्स बनाते हो, कोई और टॉपिक बनाइए। जब मैं वो टॉपिक में बनाती हूँ तो आप लोग देखते नहीं हो, और मैं जब दूसरा टॉपिक बनाती हूँ तब कुछ लोग कहते हैं कि करंट फीलिंग्स में बनाइए, हमें दूसरा टॉपिक नहीं चाहिए। तो दोनों चीज़ें आएंगी गाइस, करंट फीलिंग्स पे भी रीडिंग्स आएंगी और दूसरे टॉपिक्स पे भी आएगी, बिकॉज हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है लाइफ में, इजंट इट? तो आप सारे प्रेडिक्शंस को, सारे रीडिंग्स को देखिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ करंट फीलिंग्स देख रहे हो तो करंट फीलिंग्स ही देख रहे हो, बाकी कोई टॉपिक पे वीडियो आ रही है तो उसे इग्नोर कर दे रहे हो, या फिर बाकी वीडियोस देख रहे हो करंट फीलिंग्स में नहीं देख रहे हो। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, तो सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर गाइडेंस, कोई सही डायरेक्शन ज़रूर प्रेडिक्शंस रीडिंग्स के थ्रू मिलेंगी। तो सारे वीडियोज़ को देखा कीजिए गाइस, ठीक है? इससे यू नो इनकरेजमेंट भी मिलता है, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग कंप्लेन करते हैं बट एक बार चैनल पे विजिट करके नहीं देखते हैं कि कितने और भी तरह तरह के टॉपिक्स पर वीडियो हैं। उनके सामने जो वीडियो आते हैं उसके बेसिस में वो जज कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, चैनल पे जाइए, देखिए, तरह तरह के टॉपिक्स पे प्रेडिक्शंस रीडिंग्स आपको मिल जाएगी और सारी तरीके के आएंगे, ठीक है? तो आप खुशी से एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आप सब मेरे फैमिली का हिस्सा है एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि मैं दिल से जो भी कंटेंट आप लोगों के लिए बनाऊंगी आप लोग उससे ज़रूर खुश होंगे। तो डोंट बी सेल्फिश, मेरा भी सोचिए एंड एज अ फैमिली आप रहिए, एंड सारे वीडियोस को प्यार दीजिए, सारे वीडियोस को लाइक कीजिए एंड सारे वीडियोस को सपोर्ट कीजिए गाइस। जितने भी टॉपिक्स पे मैं प्रेडिक्शंस रीडिंग करती हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। मैं ट्राई करती हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिल सके, हीलिंग हो सके, आप अगर डाउटफुल हो, अकेलापन है वो दूर हो सके, और आपको सच भी जानने को मिले, गाइडेंस भी मिले यूनिवर्स की तरफ से, और आपको समझ में आ पाए कि आप ज़िंदगी में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? तो जो भी टॉपिक आए, चाहे लव से हो, करियर से हो, मनी से हो, फीलिंग से हो, कोई भी प्रेडिक्शन रीडिंग आए तो ज़रूर सारे रीडिंग्स को, वीडियोस को ज़रूर देखिएगा गाइस, इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज इससे बहुत दुख मिलता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग सब मुझे बहुत प्यार करते हो, तो आप लोग को क्या अच्छा लगेगा अगर मैं सैड हो जाऊँगी? तो नहीं ना। तो प्लीज़ सारे वीडियोज़ को प्यार दीजिए और सारे वीडियोस को देखिए, ठीक है? मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं अगर करंट फीलिंग्स में रह रही हूँ वीडियो तो मैं दूसरे टॉपिक पे भी लाऊँ। अल्टरनेटिव डेज पे आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है? लेकिन ऐसा होता है कि आप लोग देखते नहीं हो या देखकर भी कंप्लेन करते हो, तो ये चीज़ थोड़ी सी बुरी लगती है, क्योंकि आते तो सारे तरीके के वीडियोज़ हैं, ठीक है? सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। ओके, लेट्स सी। सो इस फ्लेम पे फोकस कीजिए, और जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो उनका नाम आपको 3 बार लेना है। ओके, सो इस कैंडल पे फोकस कीजिए, देन आइस को क्लोज कीजिए और उस पर्सन का नाम 3 बार लीजिए। ओके, सो आई होप कि आपने अब तक कर लिया होगा। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो आपके पर्सन करंटली मुझे फील होता हुआ नज़र आ रहा है कि ये ऐसा फील कर रहे हैं कि आप दोनों के सिचुएशन को वो एनालाइज कर रहे हैं, आप दोनों के कनेक्शन के बारे में वो सोच रहे हैं, पास्ट प्रेजेंट को मिलाकर वो ऐसा फील कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये थॉट चल रहा है
कि जब भी आप दोनों के रिश्ते में सब कुछ सही शुरू होता है या सब कुछ अच्छा चलने लगता है, तभी अचानक से कि कुछ ऐसी चीज़ होती है जिससे आप दोनों के बीच में फिर से प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो वो इसी थॉट में है कि जब मुझे लगता है, जब मैं थॉटफुल हो जाती हूँ या हो जाता हूँ इनको लेकर, यानी कि आपको लेकर, जब उनके मन में बहुत प्यार आता है, बहुत आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बहुत आपको शो करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि सब ठीक हो चुका है आप दोनों के बीच में या सब कुछ अच्छा चल रहा है आप दोनों के बीच में, तभी कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं जिससे सब कुछ फिर से बिगड़ जाता है, फिर से ख़राब हो जाता है, उनके होप्स जो है मिट जाते हैं, उनके होप्स जो है टूट जाते हैं, एंड कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स पर्सनल लेवल पर या फिर कनेक्शन के बीच में ऐसी होती है कि सब कुछ सही चलते चलते अचानक से फिर से वो चीज़ें बिखर जाती हैं, फिर से शुरू करना पड़ता है सब कुछ। तो आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच का फाउंडेशन स्ट्रांग क्यों नहीं है, वो अपने आप को बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच की जो कनेक्शन, आप दोनों की जो क्रिएट हुई है, उसमें एक अटूट एनर्जी की फॉर्मेशन अभी तक क्यों नहीं है, क्यों आप दोनों का फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है कि कोई भी एक झगड़ा होता है तो आप दोनों का जो नेगेटिविटी है वो बड़ा हो जाता है। खुशियाँ रहती हैं तो वो बढ़ती नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आती है तो वो बढ़ती रहती है समय के साथ। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नाखुश महसूस कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप दोनों के रिश्ते में फाउंडेशन की कमी है, जिसके वजह से ही खुशियों के बीच में अगर थोड़ी सी भी दुख आ जाती है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, तो खुशियाँ एकदम ही गायब हो जाती हैं। ठीक है, और चीज़ें इतनी ख़राब तरीके से बढ़ती रहती हैं जिसका उनका अंदाज़ा उनको अंदाज़ा या उनको विश्वास नहीं होता है। ठीक है, तो उस बारे में आपके पर्सन करेंटली बहुत ज़्यादा सोचते विचार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, एंड उन्हें ऐसा नज़र आ रहा है कि इस रिश्ते में एफर्ट नहीं हो पा रहे दोनों तरफ से जैसे होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं कि उनके तरफ से भी कमियां हैं, आपके तरफ से भी कमियां हैं, तो वो दोनों तरफ का थॉट एंड इमोशंस को लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस अपने बारे में सोच रहे हैं, ये आपके आपके बिहाफ में भी इस कनेक्शन को लेकर सोच रहे हैं। तो वो बहुत दुखी फील कर रहे हैं इस वजह से ही, क्योंकि उनको बार बार फील हुआ है कि शायद अब फाउंडेशन स्ट्रांग हुआ है, अब फाउंडेशन क्रिएट हुआ है, कुछ हुआ है कुछ हुआ है, लेकिन बार बार आपका जो पैटर्न है आप दोनों के रिश्ते का, वो एक ही तरीके से चलता रहता है। ठीक है, घूम फिर कर एक ही तरीके से चीज़ें होती रहती हैं, उसमें कोई नयापन, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई न्यू चेंज, ठीक है, ये सब नहीं हो पाता। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि कब होगा, कब फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, कब ऐसा समय आएगा जब नेगेटिव होने के बावजूद भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि शायद ये रिश्ता अब ख़त्म होने वाला है। मन में वो डर काम नहीं करेगा, मन में एक तसल्ली होगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, आप दोनों साथ रहोगे और आप दोनों एक दूसरे से कहीं नहीं दूर जाओगे। ठीक है, तो ये उस फीलिंग को फील करना चाहते हैं जहाँ पर 50 झगड़े हो सकते हैं, 50 मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन आप दोनों का इंटरेस्ट एक दूसरे से नहीं हटेगा, आप दोनों एक दूसरे को छोड़ कर जाने का मन नहीं करेगा, झगड़ा होगा, बात नहीं करोगे, लेकिन एक दूसरे को लेकर कमिटेड ही रहोगे। तो वो फीलिंग, वो वाइब आपके पर्सन मिस कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कब होगा जब हमारे अंदर से वो डर चला जाएगा खोने का, जब हमारे अंदर से वो डर चला जाएगा कि शायद यही इस बार लास्ट झगड़ा है या इस बार लास्ट प्रॉब्लम है, अब शायद हम दोनों के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। तो आपके पर्सन अपने इनसिक्योरिटीज़ पे और ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं करंटली, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनको अभी, मतलब रिसेंट पास्ट की अगर हम बात करें, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद अब सब सही होगा, शायद अब उनके मन से ये डर हटेगा, शायद अब आप उनके परमानेंटली उनके लाइफ के हिस्से बन जाओगे। ठीक है, लेकिन फिर उनको खोने का डर उनके दिल में आपके प्रति पनप रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये फिर से आपको खो देंगे, शायद आप इनसे दूर चले जाओगे, शायद ये रिश्ता एंड हो जाएगा लाइफ टाइम। ठीक है, तो ये संभव थोड़े बहुत उनके मन में आस है कि सब कुछ फिर से सही होगा या फिर से सब कुछ सही चलेगा, लेकिन अब ये अनसर्टिनिटी में नहीं जीना चाहते। आपके पर्सन अब मुझे दिख रहा है कि ईश्वर से प्रे कर रहे हैं या फिर अपने अपने आप से बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब अगर रिश्ता सही चलता है तो अब बस सही चले, और अगर कोई प्रॉब्लम भी आए तो ये जो मन में नेगेटिविटी पैदा हो जाती है, खोने का डर पैदा हो जाता है, ठीक है, ईगो आ जाता है, ये सब ना हो। ठीक है, झगड़ा होने के बावजूद या प्रॉब्लम आने के बावजूद भी ये एहसास हो कि हम दोनों साथ हैं और साथ रहेंगे, प्रॉब्लम को हमें फिक्स करना पड़ेगा लेकिन हम दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो रहे। ठीक है, एक दूसरे को छोड़ कर नहीं जा रहे हैं।
ये सेटिस्फेक्शन, ये अश्योरेंस हमें चाहिए, ये पर्सन अपने आप से बात करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं करंटली। सो इस पर्सन के दिल में बहुत प्यार है, जिसके वजह से इनके मन में डर है कि कहीं ये किसी वजह से, इनके गलती से सब कुछ बिखर ना जाए आप दोनों के बीच में, ठीक है। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि बार बार इश्यूज आते रहते हैं आप दोनों के कनेक्शन में, और एफर्ट्स म्यूचुअल लेवल पर नहीं होती। जब जब प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, इश्यूज़ को फिक्स करना होता है, म्यूचुअल लेवल पर एफर्ट्स नहीं होती। कभी आप नहीं दे पाते हो, कभी वो नहीं दे पाते हैं, या कई अभी कभी कभार आप दोनों के बीच में संतुलन नहीं बैठता है, ठीक है। तो ये सारी इश्यूज़ हैं जो ये फिक्स करना चाहते हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि हम कैसे कर सकते हैं और हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, बट ये ज़रूर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप दोनों की एनर्जी एंड स्थितियों में, यानी कि सिचुएशंस में चेंज आए, ताकि जितना एफर्ट ये आपके साथ इन्हें डालनी चाहिए उतना ये आपके लिए कर सकें, और इस रिश्ते को अटूट बना सके, इस रिश्ते को स्टेबल एंड सिक्योर करके रख सके, संभाल सके इस रिश्ते को, और आपको अपने ज़िंदगी में बना कर रख सकें। ये इनके माइंड में ज़रूर चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ओके, सो बहुत ही अच्छी फीलिंग्स हैं। मुझे लग रहा है कि कितने भी इश्यूज़ आप दोनों के बीच में अभी तक हुए होंगे, कितने भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आई होगी, एक चीज़ जो इनके दिल से अभी तक कम या चेंज नहीं हुआ है, वो है इनका प्यार, वो है इनका पैशन, ठीक है। पैशन, उस थॉट का पैशन कि उन्हें आपके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, उन्हें आपके साथ टाइम बिताना है, उन्हें आपके साथ रहना है। ये जो थॉट है उसका पैशन और इनका प्यार, ये दोनों चीज़ें स्टार्टिंग से लेकर अब तक कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। जिसके वजह से ही मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ कभी भी हार मानना नहीं चाहते। कुछ भी हो जाए, ये इस रिश्ते में हार मानना नहीं चाहते। ये एंड तक जितना इनसे हो सके, जो इनसे नहीं भी होगा वो भी ये ट्राई करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के रिश्ते को बचा कर रखने के लिए। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स बहुत डीप लेवल पर मुझे एकदम इंटेंस फीलिंग्स दिख रही है आपके पर्सन की करंटली। सो दे आर डेफिनेटली इनटू यू गाइस, ओके। सो ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं। तो इस कैंडल को मैं साइड में कर देती हूँ, इसे मैं बुझाऊंगी नहीं, मेल्ट होने दूंगी। सो अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। सबसे पहला है, आई एम मिसिंग यू सो मच राइट नाउ, आई विश आई कुड टॉक टू यू। ये आपको भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये विश कर रहे हैं कि काश ये आपसे बात कर पाते, ठीक है। इनको बहुत मन हो रहा है आपसे बात करने का, आपसे मिलने का, आपको देखने का, आपकी आवाज़ सुनने का। तुम्हें पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पा के रहूँगा या रहूँगी। सो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि ये सीरियसली इन्वेस्टेड है इस रिश्ते में, और ये यू नो इस रिश्ते पे गिव अप नहीं करना चाहते। क्या हम मिलके लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, आई वांट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ यू। ये पर्सन आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या हम साथ में ज़िंदगी को बिता सकते हैं, क्या हम साथ में एंजॉय कर सकते हैं, क्या वो जैसा चाहते हैं, वो जैसा सोचते हैं, क्या आपके दिल में भी वही सेम फीलिंग्स हैं उनके प्रति। आई वॉन्ट टू फीड यू लाइक अ बेबी, आई वॉन्ट टू कुक एंड शेयर माई फेवरेट डिश विथ यू। ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि इन्हें आपके साथ वक्त गुजारना है, जहाँ पर ये आपको स्पेशल फील करवा सके, जहाँ पर ये आपकी केयर कर सके, जहाँ पर ये आपको खुश रख सके। इट्स अ नो फॉर नाउ, एट लीस्ट वी शुड टेक सम टाइम। ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि बहुत बार हो सकता है इस पर्सन ने आपको इस तरीके से ट्रीट किया हो, जहाँ पे आपको अनवांटेड फील हुआ हो, जहाँ पे आपको लगा हो कि शायद ये इंसान आपको लेकर सीरियस नहीं है। लेकिन ये आपको कहना चाहते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त लिया है, इन्होंने बहुत इमेच्योर तरीके से आपके साथ डील किया है, लेकिन अब ये सीरियसली आपके करीब आना चाहते हैं। वी हैव प्लीज़ टॉक टू मी, आई नो दैट यू वॉन्ट दैट टू। तो ये पर्सन आपसे बात करने के लिए तरप रहे हैं, उन लोगों के लिए जो लोग नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन मोड पे हो, बातचीत नहीं हुई है। ये पर्सन आपको डायरेक्टली हो सकता है कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट ये चाह रहे हैं कि आप दोनों की बात हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप भी सेम ही चाहते हो। ओके, एंड बॉटम ऑफ द कार्ड से वी हैव, आई मिस यू एवरी डे, आई कांट स्लीप, आई क्राई फॉर यू, आई कांट हैव पीस विदाउट यू। ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि आपको हर एक पल हर एक दिन याद करते हैं, इनको ढंग से नींद नहीं आती, इनको अजीब सा भारीपन फील होता है, इनको रोने का मन करता है, इनको शांति नहीं मिल रही है आपके बिना।
ठीक है। सो ये आपको चाहते हैं अपने ज़िंदगी में, उसके अलावा इनके लाइफ में अभी के लिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लाइफ में एज ऑफ नाउ। ओके सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।